एवरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड इट्स लव। आशा करती हूँ कि आप सब सेफ, हेल्दी और फूडीज। ये सब्जियां देखकर आपको अंदाजा तो आया होगा आज हम क्या बनाएंगे। यस, आज हम चाइनीज बनाएंगे, स्क्रैच से पूरा चाइनीज बनाएंगे। हम चाइनीज बॉल्स भी बनाएंगे, चाइनीज सूप भी बनाएंगे और चाइनीज राइस भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां ली है, जिसमें ये गाजर है, ये फ्रेंच बीन्स है, यहाँ पर शिमला मिर्च, कैबेज, अनियन, अदरक और लहसुन का मैंने ग्रेट करके लिया है अदरक और लहसुन को। ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने कैबेज, शिमला मिर्च, गाजर और हरी मिर्च, दो हरी मिर्च डाली है, थोड़ा सा अदरक और लहसुन डालकर उसको चॉपर में फाइन चॉप कर लिया है। ये हमें हमारे जो चाइनीज में सूप में जो बॉल्स होते हैं वो बनाने के लिए चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, जिससे इन सब्जियों को अपना ही पानी छूटेगा, जिसे हमें निचोड़कर निकालना है और उसी का हम सूप में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करते हैं। नमक आप अपने स्वादानुसार ऐड कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। नमक इन सब्जियों को अपना पानी छोड़ने के लिए हेल्प करेगा। अब हम इसे थोड़ा सा रेस्ट टाइम देंगे, तब तक हम राइस बना लेते हैं। तो चलिए, अब हम राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये हनीकॉम की कढ़ाई ली है, जिसमें हम पहले थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा तेल भी डालेंगे। तेल अराउंड एक टेबलस्पून के करीब हम डाल देंगे। अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें ये अदरक और लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाया था, जो ग्रेट हमने किया था अदरक लहसुन को, वो डाल देंगे पहले। और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन नहीं जाता। ये प्याज डालेंगे और हम प्याज को भी अच्छे से इसमें से भून लेंगे। इसी समय हम इसमें ये गाजर और बीन्स भी डालेंगे, क्योंकि इन दोनों सब्जियों को पकने को थोड़ा टाइम लगता है। हमने इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पे फ्राई किया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ये बाकी बची सब्जियां डालेंगे, जिसमें से कैबेज है और ये शिमला मिर्च है। मुझे तो चाइनीज बहुत पसंद है, इसलिए नहीं कि वो चाइनीज है, इसलिए कि हम इसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। ऐसे तो बच्चे ये सब्जियां खाने में इतना नखरा करेंगे, लेकिन हम चाइनीज बनाएंगे तो ये सब्जियां बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। और अगर हम घर पर चाइनीज बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उतना हाइजीन और हेल्थ मेंटेन कर ही लेते हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा कॉर्न डालेंगे, ताकि कॉर्न भी इसके साथ अच्छे से पक जाए। अब इस स्टेज पर हम इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब शेजवान चटनी मिलाएंगे, और कुछ भी नहीं मिलाएंगे, बस इतना शेजवान चटनी, और ये राइस बहुत औसम हो जाता है। ना इसमें हम डार्क सोया सॉस डालेंगे, ना ही विनेगर डालेंगे, बस ये शेजवान चटनी काफी हो जाती है। इसमें नमक नहीं डाला है, क्योंकि शेजवान चटनी में अच्छा खासा नमक होता है। और हम जो राइस डालेंगे, या तो आप लेफ्ट ओवर राइस यूज कर सकते हो, या तो फ्रेश राइस यूज कर सकते हो। दोनों ही केसेस में राइस में नमक होता है, इसलिए हम इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं डालेंगे। फ्रेश राइस लिया है, ये अराउंड 1.5 कप के करीब राइस है, जिसे अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप शेजवान चटनी चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको तीखा पसंद है तो। चलिए, अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पूरा डालेंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। देखिए कितना कलरफुल और ब्यूटीफुल राइस दिख रहा है ना। ये हम और राइस ऐड करेंगे। कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है हमारा राइस, जो हमारा बचा हुआ राइस है वो भी इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, हमने सारा राइस इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया। इसका कलर भी अच्छा आया है। आप चाहो तो शेजवान चटनी और ऐड करो। यकीन मानिए, ये राइस बच्चों को इतना पसंद आता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इसमें हमने सब्जियां भी जो डाली है वो भी बच्चे आराम से खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने अराउंड 2 स्पून के करीब शेजवान चटनी एक्स्ट्रा और ऐड कर दी थी, तो कलर और भी निखर आया है। और नमक बिल्कुल ऐड नहीं किया, क्योंकि शेजवान चटनी में अच्छा खासा नमक होता है, तो नमक मैंने ऐड नहीं किया है। यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट हम ले आएंगे, ये पास्ता है, ये बॉइल्ड पास्ता है, ये भी मैं इसमें ऐड करूंगी। मेरे बच्चों को ऐसे वाला चाइनीज राइस ज्यादा अच्छा लगता है, जिसमें पास्ता भी हो।
वो जो बीच में थोड़ा थोड़ा पास्ता आ जाता है तो बच्चों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो हमारा ये राइस अब रेडी है। राइस तो हमारा रेडी हो गया है, अब हम चाइनीज बॉल्स यानी मंचूरियन बॉल्स बना लेते हैं। तो ये हमारा जो मिक्सचर हमने रेडी करके रखा था, उसमें नमक डाल के रखा था, इसे अच्छा खासा हमने रेस्ट टाइम दिया, अब हम इसे निचोड़ लेंगे और इसमें इसके अंदर का सारा पानी निकाल लेंगे। हमारे जो मंचूरियन बॉल्स हम बनाएंगे वो तेल में जाने के बाद फटेंगे नहीं। देखिए अब हम इसे ऐसे, ये देखिए इसमें से अच्छा खासा पानी निकल रहा है, ये सारा पानी हम निचोड़ लेंगे और जितना हम इसे ड्राई कर सकते हैं इतना हम इसे ड्राई कर लेंगे। तो चलिए ये पानी तो हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इसे सूप में यूज़ करेंगे। ये देखिए ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, फिर भी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी है, तो उस मॉइस्चर के लिए हम इसमें अराउंड 1/4 कप के करीब ये बेसन का आटा डालेंगे और सेम ही क्वांटिटी में हम इसमें मकई का आटा डालेंगे। एज आई ऑलवेज टेल कि मुझे कॉर्नफ्लोर या मैदे से ज़्यादा मकई का आटा अच्छा लगता है, बिकॉज मकई का आटा फाइबरस और थोड़ा हेल्दी होता है। आप चाहो तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हो, मैदा भी यूज़ कर सकते हो, राइस आटा भी यूज़ कर सकते हो। वैसे तो चॉप करते समय इन सब्जियों में हमने मिर्ची, लहसुन और अदरक भी डाला था, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा अराउंड 1 टीस्पून के करीब यहाँ पर गरम मसाला डाल देंगे। हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, अपने टेस्ट अनुसार इसमें नमक ऐड कर सकते हो। अब हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर इन्हें फ्राई कर लेंगे। हमें इन बॉल्स को बनाकर रखना नहीं है क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है तो इन्हें फिर से पानी छूटने का चांस है, इसलिए हम तुरंत ही इसे मिक्स करके फ्राई करना चालू करेंगे। मैंने दूसरी साइड पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसके ऐसे छोटे छोटे मंचूरियन बॉल्स बना लेंगे और इसे ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे ताकि वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम ये ऐसे छोटे छोटे मंचूरियन बॉल्स बनाकर इसमें डीप फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही अब हम सारे मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हम इन्हें ऐसे अलट पलट करते हुए पका लेंगे। इसमें से कुछ बॉल्स, ये कुछ मंचूरियन बॉल्स हो गए हैं, इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा बटर अच्छे से गर्म हो गया है, हमने इसमें अराउंड 1 टेबलस्पून के करीब शेजवान चटनी डाली है और थोड़ा सा हम इसमें टमेटो का सॉस डाल देंगे। टमेटो का सॉस हमने सिर्फ 1/2 टेबलस्पून और इसी में हम अंदाजन थोड़ा सा ब्लैक सोया सॉस भी डाल देंगे। ब्लैक सोया सॉस भी मैंने अराउंड 1-1.5 टेबलस्पून के करीब डाला है। अब हम इसे अच्छे से पहले पका लेंगे। अब इसी स्टेज पर हम इसमें 2-3 टेबलस्पून के करीब मकई का आटा डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, एक लंप फ्री मिक्स बना लेंगे। मैंने इसमें कोई भी सब्जी मिक्स नहीं की है क्योंकि हम इसमें सिर्फ वही पानी डालेंगे जिसमें हमने जो हमने सब्जियों से निचोड़ कर डाला था, उसमें काफ़ी सारी सब्जियां हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें ये पानी मिक्स कर लेंगे। अब इस पानी को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हम इसमें ये जो हमने चॉपर यूज़ किया था उस चॉपर में भी कुछ सब्जियां चिपकी रहती है, उसका पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए अब हम इस सारे पानी को पहले अच्छे से मिक्स होने देंगे और इसे पकने देंगे। ये देखिए हमारा ये सूप काफ़ी हद तक थिक हो गया है, ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये और भी थिक हो जाएगा। अब इस स्टेज पर हम एक ट्विस्ट करेंगे, यहाँ पर हम ये जो मैगी के नूडल्स आते हैं ये डाल देंगे, इससे इस सूप में और भी अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आ जाएगा, बच्चों को और भी खाने में मज़ा आएगा इसको। मैंने कच्चे नूडल्स इसमें डाले हुए हैं, ये जैसे जैसे सूप हमारा पकता रहेगा थोड़ा और इसे हम बॉईल करेंगे और वो सूप भी गाढ़ा हो जाएगा और ये नूडल्स भी अच्छे से पक जाएंगे इसमें। ये देखिए हमारा ये सूप काफ़ी हद तक रेडी है, ये आपको जितना अभी रनी लग रहा है ये जैसे जैसे ठंडा होगा उतना ही ये थोड़ा थिक होता जाएगा, एंड यू विल गेट द प्रॉपर सूप कंसिस्टेंसी और टेस्ट। इसमें हमने कुछ भी ज़्यादा एडेड मसाले नहीं डाले हैं, बस हमने यहाँ पर थोड़ा सा सॉस डाला था, डार्क सोया सॉस, शेजवान चटनी और जो हमने सब्जियाँ काटी थी चॉप की थी उसका जो पानी था वो इसमें मिक्स किया है, मतलब ये कंप्लीट हेल्दी
और न्यूट्रिशियस हमारा ये सूप है। बाहर वाले सूप से ये एनी टाइम बेटर है। तो देखिए फूडीज, हमारा ये चाइनीज राइस और मंचूरियन सूप विथ इट्स मंचूरियन बॉल्स रेडी है। इसे ज़रूर ट्राई करना। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अभी के लिए बाय बाय।